सो गाइस यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई है। क्या क्या अपडेट्स निकल के आई है पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कबड्डी के रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोज डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको मिस नहीं करना है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला अपडेट निकल के आता है NYP प्लेयर लिस्ट को रिलेटेड। NYP क्या होता है? न्यू यंग प्लेयर्स लिस्ट, जो कैटेगरी आती है, मतलब कि जो कबड्डी प्लेयर अभी तक प्रो कबड्डी का हिस्सा नहीं हो पाया है उनको बोलते हैं NYP प्लेयर लिस्ट। तो गाइस यहाँ पे दो प्लेयर का नाम यहाँ पे लगभग तय हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, और इसके रिलेटेड यहाँ पे एक आर्टिकल भी आया है। वो आर्टिकल क्या है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पे स्टेट टाइम्स न्यूज में ये आर्टिकल छपा है और ये आज ही के दिन छपा हुआ है। यहाँ पे लिखा कि 2 झारखंड जम्मू एंड कश्मीर प्लेयर्स इन प्रो कबड्डी लीग। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू 2 प्रोमिसिंग प्लेयर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन सिलेक्टेड इन द लिस्ट ऑफ वीवो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 एस न्यू यंग प्लेयर्स कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था NYP प्लेयर्स जो कैटेगरी होता है उसमें 2 जम्मू प्लेयर्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अब तक तो NYP प्लेयर्स की लिस्ट अभी तक आई नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने कैसे कह सकते हैं, शायद से इनको पता चल गया होगा, और यहाँ पे इन्होंने कैसे कहा यहाँ पे बता दूँ कि नीचे लिखा है कि वी आर हैप्पी दैट 2 यंग कबड्डी प्लेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन पिक फॉर द प्रो कबड्डी। सर्टेनली द सिलेक्शन हैव इनकरेज द यंगस्टर टू टेक द गेम प्रोफेशनली, सेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन कुलदीप कुमार गुप्ता, जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उन्होंने यही कहा है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ ये मैं कहने के लिए कि यहाँ पे जो 2 जम्मू एंड कश्मीर के जो प्लेयर है यहाँ पे वो सिलेक्ट हो चुके हैं, एंड यहाँ पे शायद से उनको लिस्ट पता चल गया होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रो कबड्डी के जो भी डिस्कशन होते होगा, यहाँ पे जितने भी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के जो भी स्टेट लेवल्स के जो भी कबड्डी के, वो आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उन सभी को तो लिस्ट कब का पता चलेगा, और यहाँ पे पब्लिकली ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो 2 प्लेयर्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे वो प्लेयर का नाम है रजन सिंह, एंड यहाँ पे जो दूसरे प्लेयर का नाम है अतिशाम अशरफ। दोस्तों यहाँ पे जो पहले प्लेयर का नाम है रजन सिंह मनहास एंड अतिशाम अशरफ, दोनों बहुत ही अच्छे कबड्डी प्लेयर है, एंड यहाँ पे ऑक्शन में देखते हैं कि किस हिसाब से परफॉर्मेंस देते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक हिंट हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो ऑक्शन से पहले जो भी प्रोसेस होता है ओवरऑल पूरा प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो भी लिस्ट हो यहाँ पे दिन तैयार हो रहा है, एंड जब भी सब तैयार हो जाएगा, सब कंफर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें पब्लिकली पता चल जाएगा कि ऑक्शन डेट कब होगा, मतलब कि जो भी ओवर जो भी आगे स्टेप्स होते वो सभी हमें पता चल जाएगा। तो गैस यहाँ पे कबड्डी के फैंस हैप्पी हो जाए, बिकॉज यहाँ पे कबड्डी वापस आ चुका है। गैस यहाँ पे अगला मैं एक क्वेश्चन पिक किया जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे एक व्यूवर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि क्या तमिल थलाइवस का कैप्टन चेंज हो गए, क्या तमिल थलाइवस का जो कैप्टन अजय ठाकुर है इसे बदल गया, क्या राहुल चौधरी को नया कैप्टन बता दिया जाएगा, वो भी मैं आपको चलो इस वीडियो में बता देता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने कुछ पहले वीडियो में बताया था कि यार मंजीत चिलर एंड अजय ठाकुर को रिटेन करेगी कि नहीं तमिल थलाइवस की टीम, मैंने आपको बताया था कि जो दोनों ही प्लेयर्स है अजय ठाकुर एंड मंजीत चिलर दोनों ही कैटेगरी बी प्लेयर्स के हैं, दोनों ही कैटेगरी बी प्लेयर्स में है। तो गाइस यहाँ पे उनको रिटेन करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि कम पैसों में रिटेन हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे वो तो जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दे दिया था। यहाँ पे क्या तमिल थलाइवस अपने नए कप्तान की तरफ जाएगी, यहाँ पे मैंने उस समय ये रीजन दिया था कि अजय ठाकुर को इसीलिए रिटेन करेगी ताकि वो कैप्टेंसी अच्छे से निभा सके, एंड यहाँ पे मंजीत चिलर ऑफकोर्स इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो गाइस कैप्टेंसी की वजह से अगर तमिल थलाइवस की टीम इनको रिटेन करेगी तो ऑफकोर्स अजय ठाकुर ही तमिल थलाइवस के कैप्टन रहने वाले, कोई कैप्टेंसी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर तमिल थलाइवस नए कैप्टन की तरफ जाती है तो गाइस यहाँ पे तमिल थलाइवस जो अजय ठाकुर है उनको रिलीज कर सकती है, राहुल चौधरी को कैप्टन बना सकती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि राहुल चौधरी तेलुगु टाइटंस की टीम की तरफ से कैप्टनसी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तेलुगु टाइटंस को अभी तक एक भी PKL का ट्रॉफी नहीं जिताया है तेलुगु टाइटंस ने। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते कि तमिल थलाइवस मुझे नहीं लगता कि नए कैप्टन की तरफ जाएगी, अगर जाती तो गाइस यहाँ पे ऑफकोर्स हमें अजय ठाकुर तमिल थलाइवस की टीम की तरफ से देखते हुए नजर नहीं आएंगे, ये मेरा मानना है, ये ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आया है।
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जो अपडेट्स से आज निकल के आए थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको आर्टिकल जो पढ़ना है तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पे आके देख सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बस जो इतना ही, वो आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे कबड्डी के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स डेली निकल के आ रहे हैं, अगर आपको मिस नहीं करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ बेल आइकन है उसको भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।